हाँ भैया जी, सिग्नल हमेशा लेफ्ट साइड में ही होते हैं क्या या राइट साइड में भी होते हैं? ड्रेस पहनने के बाद में यार मेरे को थोड़ा सा एनर्जी से आ गई है, तो यहाँ पे मन ये देखिए है, और उसके कहने के मुताबिक ही ये लोड कनेक्ट होता है सीबीसी से। तो हेलो गाइस, तो आप सब लोग कैसे हैं? फाइनली आज मेरी 8 दिन का मतलब छुट्टी लिया था, तबीयत खराब हो गया था 8 दिन का, तो 8 दिन से मेरी तबीयत खराब चल रही थी, तो अब जाके मैं फिट हुआ हूँ। फिट सर्टिफिकेट मैंने कल रात को जमा करा दिया था, आज मेरे को ड्यूटी बुलाया। ड्यूटी का नाम है ट्रैफिक ड्यूटी। ट्रैफिक क्या मतलब, इंजन वगैरह काटते हैं, किसी दूसरी का अटैच करते हैं लोड के, या पैसेंजर गाड़ी का जो इंजन अटैच करते हैं वो वाला, तो ट्रैफिक है। तो मुझे, मैंने कभी किया नहीं इस ड्यूटी को, पहला ड्यूटी मेरा ट्रैफिक वाला। तो अभी कॉल दिया है मेरे को, 4 बजे से ड्यूटी स्टार्ट है। वैसे मैंने डे का ही ड्यूटी मांगा था, इसलिए डे का ही मिल गया, लेकिन फिर भी वो 12 बजे तक हो जाएगा ड्यूटी, तो नाइट तो हो ही जाएगा, कोई ना इतना तो कर लेंगे। तो आज फिर से वीडियो बनाते हैं, तो दिखाऊंगा ट्रैफिक में क्या क्या होता है, और थोड़ा अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगा कि आपको कभी, क्योंकि मुझे नहीं पता इस एक्चुअली ट्रैफिक ड्यूटी में करते क्या है, हो सकता है थोड़ा बहुत लोको पायलट भैया को भी पूछूंगा, बाकी मेरे साथ वाले को पूछा है कि भाई क्या क्या करना पड़ता है क्या क्या नहीं, क्योंकि इसकी ड्यूटी लग चुकी थी। और मैं निकल रहा हूँ, हालांकि मैं 1 घंटे पहले ही निकल रहा हूँ, क्योंकि ड्रेस पहनने के बाद में यार मेरे को थोड़ा सा एनर्जी से आ गई है, तो यहाँ पे मन सुकून का नाम सुना है हाय हाय, यहाँ पे मन नहीं कर रहा, तो मैं निकल रहा हूँ जल्दी 1 घंटे पहले, और फिर ड्यूटी स्टार्ट करने के बाद में फिर मिलते हैं, ठीक है? तब तक मैं निकलता हूँ, ठीक है? तब तक मैं निकलता हूँ, यार यहाँ पे मन नहीं कर रहा है, 1 घंटे पहले अभी टाइम बच रहा है, मेरे को कट नहीं रहा। अरे तू जा रही? मैं नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया दे के जाऊंगा। लेकिन नाम वही दिखा रहा है, वो पहले से लेकिन दिखा रहा है, बात सही बोला कि दिखा रहा है पहले से, सब यही बात बोल रहा है। तो भैया जी, आप लोकल है क्या? मतलब आप कोलकाता से बिलोंग करते हैं? नहीं नहीं, झारखंड। झारखंड? गोड्डा। क्या? गोड्डा गोड्डा गोड्डा। भाई पहचान लेना भैया को, कोई पहचान तो देखने लगे कि मेरे झारखंड से भी लोग देखते हैं। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, अभी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तब से ही बनाना स्टार्ट किया। तो भैया हमारा आ रहा है डीजल इंजन, आ रहा है आ गई माल, आ गया आ गया आ गया। किसी ने एक क्वेश्चन किया था कि क्या सिग्नल हमेशा लेफ्ट साइड में ही होते हैं क्या या राइट साइड में भी होते हैं? तो 99.99% लेफ्ट साइड में ही होते हैं। कुछ केसेस में कोई जगह ना होने की वजह से, या किसी सिग्नल दिखना कि भाई दिखेगा नहीं टाइम पे या जल्दी से, इसलिए भले ही राइट साइड में लगा दिया जाता है, वरना लेफ्ट साइड में इंजन होता है, ठीक है? ये है डीजल इंजन हमारा, 16633 जमालपुर कन्वेंशनल ना, WDM3A। ये यहीं पे रुकना था, इसका सिग्नल यहीं पे है। वो दूसरी गाड़ी में गार्ड भैया है, ये पोर्टर वगैरह आ रहे हैं, ये भी गाड़ी में बैठ के जाएंगे, इन्हीं को सिग्नल मिलता है, इनके कहने पे हम चलाते हैं गाड़ी को, और फिर इस गाड़ी को लेके जाएंगे रामपुरा लाइन। नमस्ते भैया, हाँ भैया जी। तो भैया जी चढ़ गए हैं, तो चलो हम भी चलते हैं। जो जो चेक करना था मैंने चेक कर लिया है, हालांकि मुझे इस वाले में मैंने कभी ड्यूटी नहीं की है, ऊपर से पहली बार ट्रैफिक है, ये वाला डीजल इंजन मेरा पहली बार का है। तो मैंने ड्राइवर भैया को बोला कि भैया इसमें थोड़ा और बता दीजिए, उन्होंने बता दिया, बाकी जो मुझे चेक करना था मैंने चेक कर लिया। तो बस यही, इसको लेके जाना है अब लाइन में, लेके जाना है यहाँ से, फिर ये इंजन वहाँ जाके कट होगा, फिर दूसरी गाड़ी को लेके यहाँ पे वापस आएंगे, तो देखते हैं बाकी और क्या होता है। अभी अंदर नहीं गए इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, बाकी मैं वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि गाड़ी में भी मैंने बस चेक किया, वैसे नॉर्मल भैया को पूछ लिया कि भैया मुझे बता दीजिएगा, भैया ने बता दिया। अभी जब अंदर चार्ज लेंगे उसके बाद में फिर मोबाइल बंद हो जाएगा, तो आप मुझे बताना कि इसमें थोड़ा बहुत अभी तो क्या अच्छा लगा, बाकी मैं अभी तो इसको कम्प्लीट करूँगा वीडियो। देख सकते हैं ये मोटर है जो कि एक CBC को ओपन कर दिया है किसी ट्रेन के साथ जोड़ने के लिए, इस ट्रेन को लोड भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मालगाड़ी में इसको लोड ही बोला जाता है। तो अब ये पोर्टर इशारा कर रहा है कि ड्राइवर को कि आप इस गाड़ी को लेके आइए और इसके अंदर कनेक्ट कर दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए, करने में लग गए, ठीक है। इसके इशारे पे ही लोको पायलट गाड़ी को चलाता है, कई बार असिस्टेंट भी थोड़ा हेल्प कर देता है कभी ज़रूरत पड़ जाए तो, लेकिन वैसे ज़्यादा कहीं स्टेशन पे या कहीं यार्ड में अगर ऐसा हो रहा है तो वहाँ पे पोर्टर ही जाता है, और उसके कहने के मुताबिक ही ये लोड कनेक्ट होता है CBC से, कपलिंग करता है, और यही यही काम पोर्टर करता है, ठीक है।
तो आप देखिए जो ड्राइवर होता है लोको पायलट, वो इस गाड़ी को लेके आएगा। ये डीजल इंजन है, डीजल इंजन का सीबीसी ने ओपन किया था, ये लोड का सीबीसी ओपन है, देख लीजिए ना, देख लीजिए कैसे ओपन होगा, ये कैसे जुड़ जाएगा, ये देखिए ऐसे जुड़ गया। यही जुड़कर अब इसको हमेशा जब भी इसको जोड़ते हैं तो इसको गाड़ी को आगे पीछे और करके देखते हैं कि कहीं लूज तो नहीं है, कहीं कोई टूट नहीं है, या कहीं फिर कभी इन फ्यूचर कभी गाड़ी चल रही है चलती गाड़ी में टूट ना जाए कपड़े, तो इसलिए इसको आगे पीछे हल्का सा खींच के देखना आगे पीछे लेकर ड्राइवर। ये देखिए ये थोड़ा सा हल्का सा कर दिया, इसका मतलब है फिट हो गया, अभी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कपलिंग करना। तो जब बगल वाली लाइन क्लियर नहीं थी, बगल वाली लाइन का जो पॉइंट था वो क्लियर नहीं था इस इंजन के लोड के साथ कनेक्ट होने के बाद में, इसलिए पोर्टर ने स्टेशन मास्टर से बात की, ड्राइवर से बात की, तो स्टेशन मास्टर ने बताया कि इसको वापस इस इंजन को वापस प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाओ और दूसरी लाइन से सेट करना है इसको, तो इसलिए इस लाइन से इसको अलग करवा दिया लोड को इसके इंजन से। और फिर पोर्टर ने अपना काम किया, क्योंकि पोर्टर का काम होता है अपनी लोड को सिक्योर करना, क्योंकि अपना काम करना, इसने अपना काम किया, लोड सिक्योर कर दिया। इसके बाद भी इस इंजन को आगे की तरफ वापस लेके जाएगा प्लेटफॉर्म की तरफ, और वहाँ जाके दूसरी तरफ जो पॉइंट होगा उसको सेट किया जाएगा, और फिर इसको दूसरी लाइन में लिया जाएगा ताकि ये यहाँ पर भी एक्सीडेंट हो सके और वहाँ पर भी लाइन क्लियर से, मतलब दूसरी लाइन में गाड़ी को लिया जा सके। इसलिए अब ये पोर्टर जा रहा है, ड्राइवर को बोलेगा हम साथ में साथ ही। तो अब आप खुद ही देख लीजिए, ये पोर्टर वहाँ से हम यहाँ पे आ गए, ये पोर्टर क्या कर रहा है, पॉइंट सेट कर रहा है, वो भी मैन्युअली, ठीक है। ये मैन्युअली इस नट बोल्ट को कस रहा है, इसकी वजह से ये फिक्स कर पॉइंट सेट हो जाएगा दूसरी लाइन पे गाड़ी को, यानी इंजन को लेके जाने के लिए कर दिया। इसको करने के बाद में इसने देख लिया कि फिक्स टाइट हो गया है, हिलेगा नहीं, पॉइंट सेट है। अब ये अपने हाथ से इशारा करेगा कि गाड़ी को आप लेके आ सकते हैं, इसने इशारा कर दिया, साइड में हो गया ताकि कहीं एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, चोट वगैरह ना लग जाए, इसलिए ये गाड़ी को भी इशारा देगा। इशारा देने के बाद में गाड़ी, यानी जो इंजन होगा वो इंजन पटरी पे आएगा इस पॉइंट को क्लियर करते हुए। अब जब ये पॉइंट क्लियर करते हुए आएगा तो आप खुद देख लीजिएगा कि ये पॉइंट सेट किस तरफ ये गाड़ी जाएगी। इसके जाने के बाद में इसने आगे भी एक पॉइंट सेट किया, क्योंकि दूसरी लाइन का भी पॉइंट सेट करना पड़ा इसको। तो अभी आप देख लीजिए, पहले ये गाड़ी आ रहा है, यही पॉइंट है ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब किसी गाड़ी को किसी दूसरी गाड़ी पे दूसरी लाइन पे लिया जाता है, जब एक लाइन से दूसरी लाइन में लिया जाता है। अब ये क्या कर रहा है, पहले बगल वाली लाइन पे था, अब इस लाइन का पॉइंट सेट कर रहा है ताकि ये किसी दूसरी लाइन पे इंजन को लेके जाया जा सके। यहाँ पर इसने कर दिया मैनुअली, क्या है यहाँ पर भी, अब ये मैनुअली करने के बाद में दोबारा फिर इशारा देगा, इशारा देने के बाद में ये इंजन वापस इसको इस पटरी पर चलता हुआ इस पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे की तरफ जाएगा। और ये पॉइंट हमेशा इंपॉर्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि किसी एक लाइन से अगर दूसरी लाइन पर अगर गाड़ी को लिया जाता है तो उसके बीच में जो पॉइंट होता है, जो पटरी होती है, मतलब अगर मतलब नॉर्मली भाषा में कहूँ तो एक दो लाइनों के बीच में जो तीसरी लाइन जा रही होती है, यानी दो लाइनों को करेक्ट करने के लिए तीसरी लाइन जा रही होती है, उसको ही बोलते हैं उसी लाइन का पॉइंट सेट करना होता है, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा होता है जो एक लाइन से दूसरी लाइन पर गाड़ी को ले जाने के लिए बीच का रास्ता बनाया जाता है, ठीक है। और उनका पॉइंट सेट करना ज़रूरी होता है, वरना अगर कोई भी पॉइंट सेट नहीं करेगा तो वो गाड़ी सीधी कहीं और चली जाएगी, लेकिन अगर दूसरी लाइन पर लेना है तो उसका पॉइंट सेट करना ज़रूरी होता है ना, इसलिए उसका पॉइंट सेट करना ज़रूरी होता है। अब इसको पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि रेलवे में उसकी भाषा को उसको पॉइंट ही बोला जाता है, वरना यूँ कहे तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर दो लाइनों में अगर एक लाइन पे गाड़ी चल रही है और दूसरी लाइन पर अगर किसी गाड़ी को लेना है तो बीच में जो रास्ता निकाला जाता है, जो लाइन बिछाई जाती है, वो उसी लिए बिछाई जाती है ताकि किसी गाड़ी को किसी दूसरी लाइन पर लिया जा सके, या फिर इकलौते इंजन को लिया जा सके, या कभी होता है कि इंजन किसी लाइन पर है और लोड किसी और ट्रेन किसी और पर है, यानी लोड किसी और लाइन पर है, तो इसलिए वो उसका एकमात्र ऐसा साधन होता है कि किसी लाइन को दूसरी लाइन पे लेके जाना, ठीक है। वैसे मैंने इसको थोड़ा सा कर दिया होगा ऐसा, तो फिर भी आप ट्राई कीजिएगा समझने का कि मैं क्या बोलना चाहता था, ठीक है। मैं जा रहा हूँ रूम पे, एक दिन मैं ऐसी गाड़ी को दौड़ाऊंगा, अच्छे से चलाऊंगा। ये हमारे अभी बंदे भाई, हमारी टीम के टॉप मैन आदमी, इनसे मिलिए, हमारी टीम के टॉप कैप्टन साहब रोहित शर्मा।